व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दो तीन दिन पहले हमारे चैनल पे अभी एक गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू आया था जो कि कोर्सियर कंपनी की साइड से था और RGB गेमिंग कीबोर्ड था, तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था। उसका प्राइस था एक्चुअली लाइक 3400-3500 इस अराउंड में कुछ उसका प्राइस था। तो इतने रुपए में शायद यार मैकेनिकल कीबोर्ड भी आ जाता, लेकिन हाँ मेरा स्टूडियो जैसे मेरा बेडरूम एक ही चीज है, तो मैं अपने बेडरूम में वीडियो एक्चुअली शूट कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली मेम्ब्रेन वाला चाहिए होता है ताकि ज्यादा साइलेंट रहे और ऐसी कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हो ना। तुम शादीशुदा बंदे हैं यार, समझो यार, तकलीफ समझो तुम। थैंक्स टू आकाश भाई, हमारे पास एक और प्रोडक्ट आया है गेमिंग कीबोर्ड, ये ब्लू HMU स्विचेस वाला। पिछले वाला मेम्ब्रेन कीबोर्ड था, ये गेमिंग कीबोर्ड है। प्रोडक्ट बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, जल्दी से डब्बा खोलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। बाहर से अपना बॉक्स कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रखा है ANT eSports और यहाँ पे अपने मॉडल का नाम है MK3200 और ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड यहाँ पे दिखा रखा है। और इस तरह से कुछ ऐसी लुक आएगी जब चलेगा। अगर हम देखें इधर तो मेन चीज जो तुम देख लो, यहाँ पे इसका MRP है 6000 और हमें मिलता है लगभग 2700-2800 या 2600-2700 के अराउंड मिल जाता है अमेजोन पे। तो इसका जल्दी से बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि क्या सब क्या है इसके अंदर। तो बॉक्स के अंदर देखो, एक तो मिलता है हमें कीबोर्ड इस तरह से, इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं, फिर कीबोर्ड पे नजर मारेंगे। और एक इसकी ये पैकिंग और ये इनका ANT स्पोर्ट्स का कुछ कार्ड कोड है और इनकी ये यूजर मैनुअल, पढ़ लेना यार तुम्हें अगर देखना हो तो, तुम्हारे लिए इजी होगा। और एक की कैप पुलर, ठीक है। ये ब्लू स्विच वगैरह ये जो मतलब ये बटन होते हैं ना, इनको बाहर निकालने के लिए होता है ये। देखो सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो ऊपर का फ्रेम है जो इसका यार मेटल का है, हैवी ABS टाइप का मटेरियल है, कुछ मेटलिक टाइप ही है, तुम सर्च कर लेना क्या होता है ABS वगैरह, ठीक है। और नीचे का प्लास्टिक का है और पीछे इधर यहाँ पे ANT स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग है। ये इन्होंने इनके क्लिप्स दे रखे हैं जिससे इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट हो जाती है। ये रबड़ वगैरह टाइप का बेस है ताकि जिससे ये इस तरह से ऐसे खिसकेगा नहीं। और अगर वायर क्वालिटी की बात करें हम, तो वायर इनकी ब्रेडेड है यार, जो इसकी वायर की जो लेंथ दे रखी है इन्होंने वो 1.5 मीटर वायर है। बस एक छोटी सी चीज जो मेरे को अभी कमी खल रही है ना इसमें फिलहाल, जो मेरे को लगी थी जो मैंने इसको यूज किया था, बस सिर्फ इसमें यार पाम रेस्ट होता है ना, जो री सपोर्ट होता है वो होता ना, तो भाई कसम से ये कीबोर्ड ना कंप्लीट था अपने आप में। और अगर इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करें ना कि ये किस किस चीज के साथ चल जाएगा, भाई तुम पे PC हो, तुम पे विंडोज हो, मतलब लिनक्स वगैरह टाइप का कुछ भी PC हो, तुम पे विंडोज यूज करते हो, तुम एप्पल का मैक वगैरह यूज करते हो, तो सबके साथ ये आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ वर्किंग है। पहली बात तो फुल साइज कीबोर्ड है और यहाँ पे दिख रहे हैं ऊपर फंक्शन कीज वगैरह F1 से लेकर F12 तक। इन्होंने 12 मल्टीमीडिया कीज दे रखे हैं यहाँ पे, मतलब माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, प्ले पॉज वगैरह का, म्यूजिक के लिए, स्टॉप के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, और F12 का मतलब है विंडोज वाला बटन लॉक करने के लिए, ठीक है। फंक्शन की दबाओ इस तरह से और इसके साथ यूं। तो F1 से लेकर F12 तक इन्होंने 12 कीज दे रखी है। इस पे काफी चीजें हैं, प्ले पॉज वगैरह के बटन है, वॉल्यूम कम ज्यादा का बटन है, कैलकुलेटर वगैरह का बटन है, माई कंप्यूटर वगैरह खोलने का बटन है, वो चीज तुम्हारे लिए काफी कन्वीनियंट रहेगी। और एक और चीज यार, ये जो कीबोर्ड आता है हमारा ब्लू OTMU स्विचेस के साथ आता है और ANT वालों ने इसमें ना 6 प्रीसेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जो RGB बैकलाइट के इसके जो प्रीसेट्स हैं वो 6 हैं। यार कुछ ज्यादा हो सकते थे, 2600-2700 रुपए के अकॉर्डिंग ना थोड़े से कम है। जो प्रीसेट्स है तुम उनको चेंज कैसे कर सकते हो, तुम्हें फंक्शन की को प्रेस करके जस्ट इंसर्ट को टैप करना है, तो जितने भी बैकलिट मोड है ना तुम्हें बार बार अपने वेरिएशन में दिख जाएंगे। और अगर तुम्हें इनकी स्पीड चेंज करनी है, जैसे इसमें जो इफेक्ट है, जैसे स्कैन इफेक्ट, ब्रीदिंग इफेक्ट, जो भी इसमें बैकलिट के इफेक्ट्स हैं और उनकी तुम्हें स्पीड चेंज करनी है, तो फंक्शन की प्रेस करो और लेफ्ट राइट वाले जो एरोज होते हैं उनको प्रेस करो, उससे कम ज्यादा होगी। और ब्राइटनेस है जो इसकी बैकलिट की ब्राइटनेस कम या ज्यादा, तो उसके लिए क्या करना है, फंक्शन की प्रेस करो अप का एरो तो ज्यादा होगी ब्राइटनेस और डाउन के एरो में कम होगी ब्राइटनेस। अगर हम इसकी जल्दी से फीचर्स की बात करें ना यार, इसका देखो एक तो डिजाइन बहुत हैंडी सा है, कॉम्पैक्ट सा लगता है, ठीक है, फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड है लेकिन ऐसा नहीं लगता बहुत बड़ा है, शायद पाम रेस्ट ना होने की वजह से भी छोटा लगता है। कुछ इन्होंने कॉम्पैक्ट साइज बना रखा है, अर्गोनॉमिक्स इसके काफी अच्छे लगे मेरे को, रखा हुआ ज्यादा फालतू की जगह नहीं लेता, तो वो चीज मेरे को काफी सही लगी। तो जो फुल कीज और वो भी एंटी घोस्टिंग ऑफ कोर्स गेमिंग कीबोर्ड है, तो वो तो इसका प्लस पॉइंट होना ही था। और जो इन्होंने एक चीज और बता रखी है, जो इसकी की कैप्स वगैरह ना वो ना यार ABS मटेरियल की कुछ बनी हुई है, तो जो थोड़ा सुपीरियर ही होता है, जो बेसिक प्लास्टिक होता है ना उससे नहीं बना रखी, वो थोड़े सुपीरियर मटेरियल मान लो जो भी है तो उससे बना रखी है, वो भी मतलब प्लस पॉइंट ही मान लो तुम इस कीबोर्ड का। और भाई इसमें वेट है 1.5 किलो का तो होगा कम से कम, ऐसी इसकी लुक है। और मतलब फिनिशिंग यार गजब लग रही है इसकी मेरे को तो फिनिशिंग। अब जल्दी से तुम्हें इसके RGB इफेक्ट्स दिखाता हूँ कि कैसे इसकी RGB है, क्या क्या इसमें मोड्स हैं, कैसे कैसे इसमें करना है, ठीक है। तो फिर चले करें कनेक्ट इसको अपने PC से।
तो जैसे मैं इसको कल लेके आया था तो मैं 6-7 घंटे तो मैं इसको यूज कर चुका हूँ, तो मेरे को अब तक तो यार किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आई है। देखो अगर बात करें अब गेमिंग एक्सपीरियंस की, मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस तो टॉप नॉच था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जस्ट 1% जो मेरे को हल्की सी कमी फील हुई है वही वाली बात, अगर इस पे पाम रेस्ट होता मतलब रिस्ट सपोर्ट वाला रेस्ट होता ना तो और ज्यादा कंफर्टेबल होती, तो वो चीज इसमें ऐड की जा सकती थी। जो रोहतक वगैरह में हो ना, रोहतक वगैरह साइड हो और किसी को लेना हो ये कहाँ पे मिलता है, तो कंप्यूटर वर्ल्ड शॉप है, आकाश भाई से बात कर लेना, कहोगे तो कोई इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह कर देना तो बात करवा दूंगा, सही रेट पे तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा। अमेजोन वगैरह से मंगवाओगे टाइम लगेगा, तुम जाके सीधा ले सकते हो रोहतक हरियाणा में, ठीक है जो इधर हो। तो अगर कीबोर्ड पसंद आया हो और वीडियो पसंद आई ऑफ कोर्स, तो मेरी रिव्यू पसंद आया इस कीबोर्ड का, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। जो गेमिंग पसंद करते हो, गेमिंग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज हम लेके आने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट लेके आऊंगा यार कहीं ना वो गेमिंग से रिलेटेड होगा, एग्जैक्ट गेमिंग से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मैं उसको जोड़ दूंगा, टेंशन ना लो तुम, गेमिंग उससे भी गेमिंग कर लेंगे साल, हम तो टीवी पे भी गेमिंग कर लेते हैं जिस पे लोग सिर्फ टीवी देखते थे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सोशल मीडिया के हैंडल्स है वीडियो के नीचे, उन पे जाओ भाई को ज्वाइन कर लो, तो फिर सी या हैप्पी गेमिंग।